तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डायफ्राम। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं, डायफ्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज LAQ आता है आपकी सबसे पहले थियरी एग्ज़ाम में यहाँ से, और MCQs आते हैं आपकी PG एंट्रेंस एग्ज़ाम में। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो डायफ्राम के अंदर मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले डायफ्राम होता क्या है अंडर दी डेफिनेशन, डायफ्राम की ओरिजिन कहाँ से होती है, और ये हमारे डायफ्राम जो होता है इसका इंसर्शन कहाँ पर होता है ये भी बताऊंगा आपको, डायफ्राम को कौन कौन सी नर्व के थ्रू सप्लाई होता है, ये डायफ्राम जो होता है इसके अंदर कुछ ओपनिंग्स होती हैं जिनको हाइटस भी कहते हैं, तो ये ओपनिंग्स कौन कौन सी हैं और कौन कौन से टाइप्स की ओपनिंग है, कहाँ पर होती हैं, ये सब हम ओपनिंग्स के अंदर डिस्कस करेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो डायफ्राम है वो गॉड ने हमको क्यों दिया। सो अंडर दी एक्शंस आई विल टेल यू द पर्पस ऑफ द डायफ्राम। अब जो डायफ्राम होता है उसके आगे पीछे ऊपर नीचे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होते हैं अंडर द रिलेशनशिप आई विल टेल यू, और जो डायफ्राम है उसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहाँ से होता है, किस तरीके से होता है, वो डेवलपमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द डायफ्राम। तो सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ द डायफ्राम। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि ये जो डायफ्राम होता है ये एक डोम शेप का होता है। क्या होता है? डोम शेप्ड होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मस्क्यूलर पार्ट एंड एपोन्यूरोटिक, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेंडिनस पार्ट, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेंडिनस पार्ट। और ये क्या होता है? एक पार्टीशन होता है जो कि अब आप जानती हो ऊपर कौन सी कैविटी होती है, थोरेसिक कैविटी होती है, और नीचे कौन सी कैविटी होती है, एब्डोमिनल कैविटी। सो दिस पार्टीशन सेपरेट्स थोरेसिक कैविटी टू द एब्डोमिनल कैविटी। सो ये हमारा डोम शेप्ड का एक पार्टीशन है, एंड दिस वन इज द राइट पार्ट ऑफ द डोम, एंड दिस वन इज द लेफ्ट पार्ट ऑफ द डोम, एंड दिस वन इज द सेंटर पार्ट ऑफ द डोम। अब ये जो सेंट्रल पार्ट है डोम का, इट इज मेड अप ऑफ एपोन्यूरोसिस, और राइट एंड लेफ्ट पार्ट आर मेड ऑफ मस्क्यूलर। इस फोटो के अंदर और क्लियरली हम देख सकते हैं, दिस वन इज द मस्क्यूलर पार्ट ऑफ द डायफ्राम, दिस वन इज ऑल्सो द मस्क्यूलर पार्ट ऑफ द डायफ्राम, दिस वन इज द राइट साइड ऑफ द डायफ्राम, एंड दिस वन इज द लेफ्ट साइड ऑफ द डायफ्राम, एंड दिस सेंट्रल पार्ट इज मेड ऑफ एपोन्यूरोसिस। याद रखना, सेंट्रल पार्ट इज नॉट मस्क्यूलर, इट इज एपोन्यूरोटिक, ऑन विच आवर हार्ट रेस्ट, एंड एज यू ऑल नो हार्ट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। सो बिकॉज ऑफ द वेट ऑफ द हार्ट द लेफ्ट पार्ट ऑफ द डायफ्राम इज स्लाइटली पुल्ड डाउन, पुल्ड नहीं, पुल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पुश्ड डाउन, स्लाइटली पुश्ड डाउन। सो द लेवल ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द डायफ्राम इज स्लाइटली लोअर देन द लेवल ऑफ द राइट पार्ट, एंड इन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी अ लार्ज ऑर्गन इज प्रेजेंट, एंड दैट इज कॉल्ड लीवर। सो दिस लार्ज ऑर्गन लीवर प्रेसेस द राइट पार्ट ऑफ द डायफ्राम अपवर्ड, दैट इज वाई राइट पार्ट ऑफ द डायफ्राम इज स्लाइटली अबव देन द लेवल ऑफ द लेफ्ट पार्ट। तो यहां से बनते हैं दो MCQs। सबसे पहला MCQ कि वाई लेफ्ट पार्ट ऑफ द डायफ्राम इज स्लाइटली लोअर देन द राइट पार्ट, और सेकंड क्या है इसका वाइस वर्सा कि why right part is slightly above than the level of the left part. So again, actual definition of the diaphragm is, it is dome-shaped musculo-aponeurotic partition which separates thoracic cavity to the abdominal cavity, and the left part of the diaphragm is slightly lower than the right part. Now coming to origin and insertion of the diaphragm. So ye kya hai? Rib cage. एंटीरियरली आपको पता ही है क्या होता है, स्टर्नम, एंड दिस वन इज द ज़िफाइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम। पोस्टीरियरली क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम, दिस वन इज द वर्टिब्रल कॉलम, एंड लेटरली दीज आर द रिब्स।
So anteriorly, this one is the xiphoid process of the sternum. Posteriorly, these vertebrae. Laterally, these ribs. और हमारे काम की जो ribs हैं, that are related to diaphragm, are from 7 up to 12. So these are the lower 6 ribs. Okay. और vertebra हमारे काम की है only and only this L1, and this one is the xiphoid process which is present anteriorly. So anteriorly, this one is the xiphoid process that is present anteriorly. Posteriorly, this one is the L1 vertebra, and laterally, these are the ribs from 7 to 12. Okay, lower 6 ribs. एक बात और, these are the transverse process of the L1 vertebra. Okay, तो rib cage को एक बार अच्छे से देख लो. Anteriorly, who is present? Xiphoid process of the sternum. Posteriorly, L1 vertebra. And laterally, these are the ribs from 7 to 12. That is lower 6 ribs. Okay, so lower 6 ये जो ribs हैं, इनकी जो inner surfaces हैं, and inner surface of this xiphoid process of the sternum. अब inner surface बोलो या फिर posterior surface of the xiphoid process of the sternum, and anterior surface of the vertebra. इन सब से इस तरीके से ये fibers arise होते हैं. Okay, इस तरीके से फाइबर्स अराइज होते हैं, और ये मसल फाइबर्स सेंटर में जाके, ये सारे के सारे मसल फाइबर्स सेंटर में जाके मिलते हैं, एंड दे फॉर्म दिस एपोन्यूरोसिस. अब ये वाला व्यू आपको समझ में आया कैसा है? ये वाला व्यू सिंपल है. क्या किया है, इस रिब केज को हमने क्या किया है, थोड़ा सा ऊपर की ओर टिल्ट कर दिया है. ठीक है, तो इसका व्यू कैसा ऐसा बन जाता है. सो दिस इज द ज़िफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम. This one is the L1 vertebra. These are the transverse processes of the vertebra. These are the ribs from 7 up to the 12. So on the anterior side, these are the muscle fibers which originates from the posterior surface of the xiphoid process. So these anterior fibers of the diaphragm are sternal origin. And anterolaterally, from the inner surface of the ribs, inner surfaces of the ribs from 7 up to the 12. Okay, it means lower 6 jo ribs hain, unki inner surface se muscle fibers originate hote hain on both sides, right and left. And all these fibers comes like this, and they join in the center, and they form a central tendon. As these fibers originates arises from the ribs, that is why they are called costal origin. Now on the posterior side, this one is the vertebra, and these are the transverse process of the L1 vertebra. अब क्या होता है, थोड़ा सा समझना है. ये जो L1 vertebra की जो anterior surface है, this one is the anterior surface of the L1 वर्टिब्रा. इससे क्या होता है, दो टेंडन निकलते हैं, एक तो राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में. जो राइट साइड का टेंडन होता है, दैट इज लार्जर एंड लॉन्गर, एंड दिस इज कॉल्ड राइट क्रस. और जो लेफ्ट साइड में होता है, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट क्रस. और ये राइट क्रस के कुछ फाइबर्स और लेफ्ट क्रस के कुछ फाइबर्स, दे फॉर्म दिस आर्च. नाउ फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो है बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा है, और ये क्या है, एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा. नाउ ये जो राइट क्रस्ट है, इससे क्या होता है, कुछ फाइबर्स इस तरीके से निकलते हैं, एंड दे आर अटैच्ड टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑन द राइट साइड, एंड ऑल्सो दीज फाइबर्स गोज लाइक दिस. So these fibers forms, this one is the medial arch and this one is the lateral arch. Similar to right side, left side also, this one
medial arch and this one is the lateral arch. And this medial arch is called medial arcuate ligament and this lateral arch is called lateral arcuate ligament. So MAL means medial arcuate ligament and this one is the lateral arcuate ligament. LAL means lateral arcuate ligament. So हमने anteriorly fibers देखे थे कहाँ से origin? That origin is called sternal origin और anterolateral से जो origin थी उसको बोलते थे costal origin. And now posterolaterally this one is the posterolateral part. Posterolateral origin is from lateral and medial arcuate ligament. So ये वाले जो fibers हैं ये कहाँ से origin होते हैं? ये it originates from the lateral arcuate ligament. And these fibers originates from the medial arcuate ligament. And all these fibers converge in the center and they form central. क्या बनाते हैं? Central tendon. अब right crus and left crus, these are present posteriorly. So posterior fibers originates from the right crus and left crus. So these fibers are derived from the right crus. And these fibers are derived from the left crust. And all these fibers meet in the center and they form a large central tendon. So anterior origin is from the sternal origin. Anterolateral origin is from the costal origin. And posterior and posterolateral origin is called lumbar origin. Because this origin is actually from the lumbar vertebra. So एक bony part कौन सा है जो anteriorly present है? That is xiphoid process of the sternum. Laterally bony part ribs of the rib cage. And third one bony part is the lumbar vertebra. अगर ये सब आपको अच्छे से clear हो गया तो आगे का जो टॉपिक है आगे के जो सब टॉपिक्स हैं आगे जो हमको डिस्कस करना है वो बहुत ज़्यादा इजी गोइंग हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ तक आपको एवरीथिंग इज क्लियर. ओके, अब एक बात ध्यान रखना, क्रस एक तो हमने देखा था कौन सा था, राइट था और एक था लेफ्ट. तो इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं क्रूरा. इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? क्रूरा. सो क्रूरा आर एक्चुअली प्लूरल ऑफ क्रस. तो क्रस क्या है? टेंडन है, आपको बता ही दिया है. अब एक है राइट क्रस और एक है लेफ्ट क्रस. अब आपको ध्यान रखना है जो राइट क्रस है वो कैसा है? लार्जर है और क्या है? लॉन्गर. अब लॉन्गर क्यों बोला? बिकॉज इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द L1, L2 एंड L3 वर्टिब्रा. और कहाँ से? एंटीरियर सरफेस ऑफ द बॉडी ऑफ द L1, L2 एंड L3 वर्टिब्रा. वहीं जो लेफ्ट क्रस है वो क्या है? शॉर्टर है, शॉर्ट है और क्या है? स्मॉलर. अब शॉर्टर क्यों बोला? बिकॉज इट ओरिजिनेट्स ओनली फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकंड लंबर वर्टिब्री. और बहुत छोटा सा चिन्नुक से पार्ट से ये क्या होते हैं? ओरिजिनेट होते हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि राइट साइड का जो क्रस है उसको गॉड ने हमको लार्जर और लॉन्गर क्यों दिया? बिकॉज अब आपको पता है राइट साइड में कौन होता है? हमारा लार्ज लीवर, वेरी बल्की लीवर. तो उसको पुल अगर करना है नीचे ड्यूरिंग इंस्पिरेशन तो उसको नीचे एक हैवी या फिर बल्की चीज ही नीचे कर सकती है. अगर कमजोर होगी चीज, अगर वीक होगी तो क्या होगी? ये टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी. इतने हैवी पार्ट को नीचे पुल ही नहीं कर पाएगी. दैट इज वाई गॉड हैज गिवन अस दिस राइट क्रस, हैवी बल्की एंड लार्जर एंड लॉन्गर. तो बात आई आपको समझ में? तो क्रूरा या क्रस, इन दोनों से आपको कंफ्यूज नहीं होना है. क्रूरा क्या है? एक्चुअली प्लूरल ऑफ द क्रस. और क्रस क्या होते हैं? जस्ट दीज आर द टेंडन्स ऑफ द डायफ्राम, टेंडन्स ऑफ द डायफ्राम. नाउ व्हाट इज मेडियल आर्क्यूट लिगामेंट एंड व्हाट इज लेटरल आर्क्यूट लिगामेंट? वैसे तो आपको समझ ही दिया है, फिर भी एक बार समझ लो और अच्छे से. तो ये क्या है? राइट क्रस है और ये क्या है? लेफ्ट क्रस. एंड दिस वन इज द मस्क्यूलर पार्ट डिराइव्ड फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट क्रस. अब राइट क्रस के कुछ फाइबर्स इस तरीके से आर्च बनाते हैं एंड दे आर अटैच्ड टू द ट्रांसवर्स प्रोसेस.
एंड ऑल्सो दे गो लाइक दिस एंड लेटरली दे आर अटैच्ड टू द इनर सरफेस ऑफ द 12th थोरेसिक 12th रिब ओके दिस वन ऑन राइट साइड एंड दिस वन ऑन लेफ्ट साइड ऑल्सो सो दिस इज द इनर सरफेस ऑफ द 12th रिब Now remember that within this arch, within this medial arch, who is present? It is psoas major muscle. अब कैसे याद रखोगे कि psoas major जो होती है वो medial arcuate ligament के अंदर होती है It is very simple. M in the major will remind you that it is present in the medial arch. और लेटरल आर्च में कौन सी मसल होती है क्वाड्रेटस लंबोरम अब ये नाम से ही क्लियर है लंबोरम मीन्स दिस एल इन दी लंबोरम विल टेल यू दैट आई विल प्रेजेंट इन दी लेटरल आर्च एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर वेरी क्लियरली सो दिस इज 12th रिब दिस वन इज दी लेटरल आर्च एंड दिस वन इज दी मेडियल आर्च एंड दिस वन इज दी ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ दी L1 वर्टिब्रा And now you know medially who will present psoas major and laterally who will present quadratus lumborum. So psoas major is present in the medial arch and quadratus lumborum is present in the lateral arch. Now ये जो central tendon है इसमें क्या होता है कुछ fibers इस तरीके से जाते हैं कुछ fibers इस तरीके से कुछ fibers इस तरीके से So these are actually diagonal fibers and their numbers are 4, 1, 2, 3 and 4 and they decussate at the central region. Decussate मतलब चारों आपस में मिलते हैं in the central part of the tendon. So these four large fibers are called diagonal fibers. Okay, तो याद रखना ये भी It is given in the BD Chaurasia book, okay? Now, coming to nerve supply. Nerve supply बहुत simple है. अब ये जो diaphragm है, इसको दो supply होते हैं. एक तो motor supply और दूसरा होता है sensory supply. Motor supply is from the phrenic nerve. बचपन से आप जानते हो. And sensory supply is from the phrenic nerve and also from the lower six thoracic nerves. अब ये जो सेंट्रल पार्ट है इसका सेंसेशन कौन सी नर्व ले जाती है फ्रेनिक नर्व और ये जो पेरीफेरी पार्ट है पेरीफेरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम यहां से जो सेंसेशन ले जाने का काम करती हैं लोअर सिक्स थोरेसिक नर्व्स नाउ कमिंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक अंडर द डायफ्राम दैट इज ओपनिंग्स और हाइटोसिस इन द डायफ्राम इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट सो एंटीरियरली ये छोटा सा एक ओपनिंग है छोटी सी ओपनिंग है इन बिटवीन द कोस्टल कार्टिलेज ऑफ द सेवंथ रिब एंड दिस वन इज द स्टर्नम सो इट इज स्टर्नो कोस्टल ओपनिंग एंड दिस क्वाड्रिलेटरल ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेंट्रल टेंडन And this one is the round or elliptical opening present in the muscular part of the right crest. कहां पर है ये elliptical or round opening muscular part of the right crest. And another large opening which is present in between the right crest and left crest. And it is round in shape. And it is mainly surrounded by this part of the bone. And this tendinous part. That is why it is called osseo-aponeurotic opening. Osseo means surrounded by the anterior surface of the body of the L1 vertebra. And aponeurotic means this tendinous part of the right crest and left crest. And these small openings in the right crest and left crest are called opening for the greater and lesser splanchnic nerves ab left crest ke andar ye jo extra opening hai that is for hemiazygous vein and behind this medial arch sympathetic chain runs from thorax up to the abdomen
अब मेडियल के पीछे से अगर कोई चीज़ जा रही है तो ऑब्वियसली लेटरल के नीचे से भी कोई चीज़ जाएगी, उसको क्या बोलते हैं, सबकॉस्टल वेसल्स एंड नर्व्स ऑन बोथ साइड्स राइट एंड लेफ्ट, सिंपैथेटिक चेन ऑन बोथ साइड राइट एंड लेफ्ट। बस याद रखना है एक एक्स्ट्रा ओपनिंग जो लेफ्ट साइड में होती है, दैट इज फॉर हेमी अजाइगस वेन। और सेंट्रल टेंडन के अंदर ये छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, एंड थ्रू दीज स्मॉल ओपनिंग्स इन दी सेंट्रल टेंडन स्मॉल वेन्स आर पास्ड। सो दिस ओपनिंग इज कॉल्ड फोरामेन ऑफ मॉर्गेग्नी और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लेरीज स्पेस। दिस क्वाड्रिलेटरल ओपनिंग इन दी सेंट्रल टेंडन इज कॉल्ड वेनी केवल ओपनिंग और ऑल्सो कॉल्ड वेने केवल हायटस। दिस एलिप्टिकल और ओवल ओपनिंग इन द मस्क्यूलर पार्ट ऑफ द राइट क्रस इज कॉल्ड, वी के बाद क्या आता है, ई आता है, ठीक है। सो दिस वन इज द ईसोफेजियल ओपनिंग और ईसोफेजियल हायटस, और ई के बाद क्या आता है, ए आता है। सो दिस वन, दिस राउंड ओपनिंग इज कॉल्ड aortic ओपनिंग। aortic ओपनिंग बोलो या aortic hiatus बोलो, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो सबसे पहले वाली ओपनिंग कौन सी है, वेने केवल ओपनिंग वी, और उसके बाद है ईसोफेजियल ओपनिंग, और उसके बाद है aortic ओपनिंग। अब क्या करना है, ये जो वी है ना, एक उल्टा वी और लिखना है अपने को, और इस तरीके से दोनों वी के जो पॉइंट्स हैं, कॉर्नर्स हैं, इनको जोड़ देंगे, सो दे विल फॉर्म दिस नंबर 8। इट मीन्स दिस विनेकेवल ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ T8 थोरेसिक वर्टिब्रा। नाउ ये जो ईसोफेजियल ओपनिंग है, इसके लिए क्या करना है आपको, ईसो लिखना है, और ईसो के अंदर ये जो ओ है ना, ये आपको रिमाइंड कराएगा इट इज रिलेटेड टू नंबर 0, और नंबर 0 तो कुछ होता ही नहीं है, और नंबर 0 के आगे क्या लगाना है आपको, 1। सो इट इज रिलेटेड टू नंबर 10, ईसोफेगस इज रिलेटेड टू नंबर 10। इट मीन्स दिस ईसोफेजियल ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ T10 थोरेसिक वर्टिब्रा। अब ये जो aortic ओपनिंग है, इसके लिए आपको क्या करना है, वेरी सिंपल, aortic जस्ट लिख दो यहां पर aortic, और टिक के अंदर से ये उठाना है आपको T means नंबर 12। सो aortic ओपनिंग इज एट द लेवल ऑफ 12 थोरेसिक वर्टिब्रा। सो aortic hiatus कैसा होता है, इट इज राउंड इन शेप, इट इज प्रेजेंट इन बिटवीन द राइट क्रस एंड लेफ्ट क्रस, इट इज सराउंडेड बाय द वर्टिब्रा एंड राइट एंड लेफ्ट क्रस, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ऑसियो एपोन्यूरोटिक। अब ये जो aortic hiatus है, विच आर द स्ट्रक्चर्स पासेस थ्रू दिस ओपनिंग और hiatus, इट इज वेरी सिंपल। अब क्या करना है, aortic के अंदर क्या लिखना है, आटा। सो फ्रॉम दिस ए इट इज ऑब्वियसली आउटा, फ्रॉम दिस टी इट इज थोरेसिक डक्ट, फ्रॉम दिस ए इट इज अजाइगस वेन। तो aortic hiatus से आपसे कभी भी आज के बाद पूछा जाए कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पास होते हैं, तो आपको क्या लिखना है, aortic से आटा लिखना है, इजीली आप लिख सकते हो aortic आटा। तो बस aortic देखते से ही सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, आटा, बस खत्म, दैट्स ऑल। अब आते हैं ईसोफेजियल हायटस और ओपनिंग, इट इज प्रेजेंट इन द मस्क्यूलर पार्ट ऑफ द राइट क्रस। अब ई मतलब इट्स शेप इज आइदर एलिप्टिकल और ओवल, और ईसोफेजियल के अंदर जैसे ही आप ये एल देखते हो तो आपको क्या दिमाग में लेके आना है, एल से क्या होता है, लव, क्या होता है, लव। सो लव के अंदर से आपको एक्सट्रैक्ट करना है एल वी एंड ई। सो फ्रॉम दिस एल इट इज ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, फ्रॉम वी इट इज वेगस नर्व राइट एंड लेफ्ट, फ्रॉम ई इट इज ऑब्वियस ईसोफेगस। सो दीज आर द स्ट्रक्चर्स विच पासेस थ्रू दिस हायटस, एंड aortic ओपनिंग इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ T12 वर्टिब्रा। ईसोफेजियल ये 0, इट विल रिमाइंड यू इट इज रिलेटेड टू नंबर 10, इट मीन्स इट इज
एट द लेवल ऑफ T10 थोरेसिक वर्टिब्रा। और वेना के अंदर मैंने आपको बता ही दिया था V को ऐसा उल्टा लिखना है, दोनों को मिला देना है, सो इट विल फॉर्म T8। सो दिस ओपनिंग इज एट द लेवल ऑफ T8 थोरेसिक वर्टिब्रा। सो वेयर दिस ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द सेंट्रल टेंडन, इट्स शेप इज क्वाड्रिलेटरल। अब वेने केवा के मीन्स क्वाड्रिलेटरल, के को पकड़ना है और क्वाड्रिलेटरल को मार्केट में लेकर आना है। अब क्या याद रखना है, वेना, जैसे ही आप वेना सुनते हो, वेना मतलब आपको पता है लड़कों का नाम क्या होता है, विनय, विनय। तो एक लड़का है विनय नाम का, और वो क्या है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, क्या है, RI। सो फ्रॉम दिस R इट इज रिलेटेड टू ब्रांचेस ऑफ द राइट फ्रेनिक नर्व, फ्रॉम I इट इज ऑब्वियस इनफीरियर वेने केवा। तो विनय क्या है, RI, रेवेन्यू इंस्पेक्टर। और लव को कहां पर लेकर आना है आपको, ईसोफेजियल ओपनिंग के अंदर, ठीक है, ईसोफेजियल ओपनिंग के अंदर आपको क्या लेकर आना है, लव को। और L से क्या होता है, ब्रांचेस ऑफ द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेसल्स, V से वेगस नर्व राइट एंड लेफ्ट, और E से इट इज ऑब्वियस ईसोफेगस। और सबसे एंटीरियर और सबसे ऊपर कौन सा फोरामेन था, कौन सी ओपनिंग थी, उसको क्या बोलते थे, फोरामेन ऑफ मोरगेग्नी, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लेरीज स्पेस। एंड फ्रॉम दिस सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स आर पास्ड, सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स अलॉन्ग विथ सम लिम्फेटिक्स, अलॉन्ग विथ सम लिम्फेटिक्स। और छोटी छोटी सी ओपनिंग्स वर प्रेजेंट इन द सेंट्रल टेंडन, एंड दीज आर फॉर द स्मॉल वेन्स बिहाइंड द लेटरल आर्क्यूएट लिगामेंट, दीज आर सब कोस्टल वेसल्स एंड नर्व, बिहाइंड मेडियल आर्च, दिस वन इज द सिंपेथेटिक चेन, दिस वन इज द सिंपेथेटिक चेन, दीज ओपनिंग्स इन द राइट क्रस्ट। याद रखना ये जो स्प्लांकनिक, ये जो ओपनिंग्स हैं, ये कहाँ पर हैं, राइट क्रस्ट के अंदर, ठीक है, मस्क्यूलर पार्ट में नहीं है, किसमें है, टेंडिनस पार्ट ऑफ द राइट क्रस्ट के अंदर ये दो ओपनिंग्स हैं, राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों में। एंड दीज ओपनिंग्स आर फोर, तो ये है हमारी छोटी छोटी सी ओपनिंग, वो छोटे छोटे से। अब फिजियोलॉजी में इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बस यहाँ पे ये समझ लो कि ये इंस्पिरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, बस, ठीक है, इंस्पिरेशन के लिए। दिस वन इज द चीफ मसल, बिकॉज व्हेन वी टेक अ ब्रीथ देन मसल फाइबर्स ऑफ द डायफ्राम गेट कॉन्ट्रैक्ट, एंड बिकॉज ऑफ दिस द डायफ्राम इज पुल्ड डाउनवर्ड, दैट इज वाई द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी इज इंक्रीज्ड, एंड बिकॉज ऑफ दिस अ नेगेटिव प्रेशर इज क्रिएटेड इन द चेस्ट कैविटी, सो एयर फ्रॉम द एटमोसफियर एंटर्स इन टू द लंग्स, इन दिस वे आवर डायफ्राम हेल्प्स इन द इंस्पिरेशन। अब एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, डायफ्राम जितना ज़्यादा ऊपर प्रेजेंट होगा, मतलब जितना ज़्यादा थोरेसिक कैविटी की तरफ होगा, उतना ही ज़्यादा जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा,
तो उतना ही ज़्यादा ये चेस्ट कैविटी, थोरेसिक कैविटी के ऊपर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करेगा. सो मोर एंड मोर एयर विल एंटर इनटू दी लंग्स एंड दिस इज कॉल्ड हैवी इंस्पिरेशन. हैवी इंस्पिरेशन और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड ग्रेटर रेस्पिरेटरी एक्सकर्शन. रेस्पिरेटरी एक्सकर्शन. एक्सकर्शन मीन्स फोर्स विद द हेल्प ऑफ विच एयर इज फील्ड इन द लंग्स. नाउ द पोजिशन ऑफ द डायफ्राम चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पोजिशन ऑफ द पर्सन. सो इफ अ पर्सन इज लाइंग डाउन एंड दिस इज द लाइंग सुपाइन पोजिशन. सो इन दिस पोजिशन the visceral organs present in the abdominal cavity pushes the diaphragm upward. That is why diaphragm remains at the higher level. And in the sitting position, these visceral organs pulls the diaphragm. That is why level of diaphragm becomes very low. At standing position, the level of the diaphragm is present in between the sitting and lying supine position. Now if a person who is seated now is standing, so from sitting to standing position the abdominal muscles contracts, that is why slightly the level of the diaphragm becomes higher than the sitting position. And vice versa, when person who is standing start to sit down, then level of diaphragm becomes very low but higher than the sitting position. So आपको याद क्या रखना है, ध्यान क्या रखना है कि at which condition, at which position of the individual the level of the diaphragm is at highest level. So it is at the lying supine position. और lowest level diaphragm का कब होता है, when the person is sitting. और बाकी जितनी भी कंडीशंस हैं उन सब कंडीशंस के अंदर इन दोनों के क्या रहता है, बीच में. ओके और जितना ज़्यादा डायफ्राम का लेवल हायर होगा, मतलब जितना ज़्यादा थोरेसिक कैविटी की तरफ होगा, उतना ही ज़्यादा रेस्पिरेटरी एक्सकर्शन एक्सकर्शन होगा, उतना ही ज़्यादा रेस्पिरेटरी एक्सकर्शन होगा. ठीक है, अब रिलेशंस बहुत ही सिंपल है. डायफ्राम के ऊपर सुपीरियरली दिस वन इज द प्लूरा, दिस वन इज द प्लूरा एंड दिस वन इज द पेरिकार्डियम. सो सुपीरियरली हुआ प्रेजेंट प्लूरा एंड पेरिकार्डियम. अब आ जाओ इन्फीरियरली, राइट साइड में कौन है, लीवर. लेफ्ट साइड में कौन है, फंडस ऑफ द स्टमक. स्प्लीन है, किडनी है और ये सुप्रा रीनल ग्लैंड्स हैं. ओके सो सुपीरियरली प्लूरा एंड पेरिकार्डियम, इन्फीरियरली लीवर, fundus of the stomach, spleen, kidney and suprarenal gland. Now coming to embryonic development of the diaphragm. It is developed from the mesoderm. Yaad rakhoge, mesoderm se develop hota hai diaphragm. Ab ye aapko pata hi hai kya hai, ye hai xiphoid process. This one is the xiphoid process. This one is the L1 vertebra, body of the L1 vertebra. These are the transverse processes of the L1 vertebra and these are our lower six ribs. So ये इतना part जो है central tendon along with the anterior fibers which are sternal origin are from the are developed from the septum ट्रांसवर्सम. ओके सेप्टम मतलब सेंट्रल पार्ट, सेप्टम से सेंट्रल, तो सेंट्रल के अंदर ये पूरा पार्ट जो है सेंट्रल के अंदर ले लेते हैं. ठीक है, सो दिस होल पार्ट इज फ्रॉम द सेप्टम ट्रांसवर्सम. अब एम्ब्रियोलॉजी के अंदर अच्छे से खूब जम के डिस्कस करेंगे सेप्टम ट्रांसवर्सम क्या है, सारी चीज़ें. बट यहाँ पर ये याद रख लो, यहाँ पर ध्यान रख लो कि सेप्टम ट्रांसवर्सम से इतना पार्ट ओरिजिनेट होता है. ठीक है, इतना पार्ट ओरिजिनेट होता है या फिर इतना पार्ट डेवलप होता है. उसके बाद ये जो एंटेरोलेटरल पार्ट है, दैट इज कोस्टल ओरिजिन वाला पार्ट है, इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम द लेटरल थोरेसिक वॉल.
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि इट इज प्रेजेंट, दिस पार्ट इज प्रेजेंट ऑन द लेटरल साइड, दैट इज व्हाई इट इज ओरिजिनेटिंग, इट इज डेवलपिंग फ्रॉम द लेटरल थोरेसिक वॉल। इसमें भी कोई डाउट नहीं है। अब पता ही आपको ये पार्ट कौन सा है, पोस्टेरो लेटरल। ये क्या है, इतना पूरा पार्ट क्या है, पोस्टेरो लेटरल पार्ट। एंड दिस पार्ट ओरिजिनेट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूरी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, प्लूरी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, ओके। और ये जो पोस्टीरियर पार्ट है और क्रस्ट पार्ट है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द, इट इज डेवलप्ड फ्रॉम द डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ द इसोफेगस। सो अगेन ये वाला पार्ट, ये पूरा सेंट्रल वाला पार्ट, दिस पार्ट इज फ्रॉम द सेप्टम ट्रांसवर्सम, दिस पार्ट इज फ्रॉम द लेटरल थोरेसिक वॉल, दिस पार्ट इज फ्रॉम द प्लूरी पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, एंड दिस पार्ट इज फ्रॉम द डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ द इसोफेगस। अब ये वाले जो पार्ट हैं, ये 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 और ये क्या हैं, पेयर्ड हैं ये वाले पार्ट। और ये क्रज वाला पार्ट जो है, ये कैसा है, ये वाला पार्ट कैसा है, दिस पार्ट इज अनपेयर्ड, दिस पार्ट इज अनपेयर्ड बिकॉज इट इज ओनली सिंगल। बिकॉज आप सोच रहे होंगे कि सर क्रस तो ये दो हैं, एक राइट है और एक लेफ्ट है। हाँ आप सही कह रहे हैं, जो क्रस हैं ये क्या है, पेयर्ड हैं। बट ये जो मस्कुलर पार्ट है ये पेयर्ड नहीं है, ये क्या है, अनपेयर्ड। ओके सो दिस इज द सिंपल डेवलपमेंट ऑफ द डायफ्राम। नाउ ड्यूरिंग डेवलपमेंट इनमें से कोई सी भी मेम्ब्रेन अगर वीक हो जाती है, देन इट गिव राइज टू द फॉर्मेशन ऑफ हर्निया, एंड दैट वी विल डिस्कस इन द क्लिनिकल एनाटॉमी। नाउ व्हाट इज हर्निया, बिकॉज ऑफ द वीकनिंग ऑफ द डायफ्राम इन द न्यू बॉर्न बेबी, an abnormal opening is created in the diaphragm and that opening is called hernia, and through this abnormal opening thoracic or abdominal structures may enter and may cause symptoms. So hernia are of two types, one is congenital and second one is acquired. अब एबनॉर्मल ओपनिंग की बात करना स्टार्ट करते हैं, हम एंटीरियर से आते हैं पोस्टीरियर साइड पे, ओके। तो एंटीरियरली कौन है, स्टर्नम का पार्ट है, और ये है कोस्टल पार्ट ऑफ द रिब्स। तो ये है सेवंथ रिब का कोस्टल कार्ट, एंड दिस वन इज द एबनॉर्मल ओपनिंग और एबनॉर्मल वेकनिंग ऑफ दिस पार्ट। और यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, लेरीज स्पेस, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फोरामेन ऑफ मोरगेग्नी। और ये वाली ओपनिंग कहाँ पर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट्रो स्टर्न, रेट्रो मतलब पीछे, और किसके, स्टर्नम के, स्टर्नम के बैक साइड, एंड दिस ओपनिंग इज प्रेजेंट इन द बैक साइड ऑफ द स्टर्नम, दैट इज वाई दिस ओपनिंग, दिस एबनॉर्मल ओपनिंग इज कॉल्ड रेट्रो स्टर्नल और कॉस्टो स्टर्नल ओपनिंग। सो एंटीरियरली कौन सी ओपनिंग प्रेजेंट है, रेट्रो स्टर्नल, और दैट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉस्टो स्टर्नल ओपनिंग। अब ये जो सेंट्रल टेंडन है, इसके पास जो है वहाँ पर जो है वॉल, वहाँ पर डायफ्राम क्या हो जाता है, वीक हो जाता है। सो दिस हर्निया विल बी कॉल्ड सेंट्रल हर्निया, दिस एंटीरियर वन हर्निया इज कॉल्ड रेट्रो स्टर्नल और कोस्टो स्टर्नल हर्निया, एंड दिस हर्निया इज कॉल्ड सेंट्रल हर्निया। अब ये वाला एरिया आपको पता ही है कौन सा है, पोस्टेरो लेटरल एरिया। सो ये वाले एरिया की अगर वॉल, मेम्ब्रेन या फिर डायफ्राम वीक हो जाता है, देन इट कॉजेज पोस्टेरोलेटरल और कोस्टो वर्टिब्रल हर्निया। अब कोस्टो वर्टिब्रल क्यों बोला, बिकॉज इट इज लिंक्ड टू द रिब्स एज वेल एज टू द वर्टिब्रा। और ये पार्ट आपको पता ही है कौन सा है, पोस्टीरियर पार्ट, और इसकी वॉल अगर वीक हो जाती है, देन इट कॉजेज पोस्टीरियर हर्निया। अब इसमें क्या होता है, ये जो पोस्टीरियर पार्ट आप देख रहे हो ना, ये इस कंडीशन के अंदर, पोस्टीरियर हर्निया के अंदर बनता ही नहीं है, या फिर बनता है तो बहुत छोटा सा बनता है। तो इसके कारण क्या होता है, ये जो ईसोफेजियल ओपनिंग है, ईसोफेजियल ओपनिंग और ये आउटिक ओपनिंग, ये दोनों क्या हो जाती है, एकदम ओपन हो जाती है। कैसी हो जाती है, ओपन, इनके सराउंडिंग्स में कुछ भी नहीं होता है, ओके। नाउ रिमेंबर दैट दिस वन हर्निया, दैट इज पोस्टेरोलेटरल और कोस्टो वर्टिब्रल हर्निया, इज
वेरी कॉमन एंड थ्रू दिस हर्निया। नाउ एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ये जो पोस्टेरोलेटरल हर्निया होता है इट इज़ मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट ऑन दी लेफ्ट साइड, ऑन दी लेफ्ट साइड। अब कैसे याद करोगे, ये जो लेटरल है पोस्टेरोलेटरल के अंदर ये लेटरल, इट विल रिमाइंड यू दैट दिस इज मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट ऑन दी लेफ्ट साइड। सो दिस वन इज द लेफ्ट साइड, सो इट इज द डायफ्राम, दिस वन इज द डायफ्राम एंड दिस वन इज दैट ओपनिंग। ओपनिंग मीन्स पोस्टेरोलेटरल हर्निया एंड थ्रू दिस हर्निया, थ्रू दिस एबनॉर्मल ओपनिंग मोस्ट कॉमनली स्टमक और इंटेस्टाइन आर एंटर्ड एंड एंटर्स इनटू दी थोरेसिक कैविटी एंड बिकॉज ऑफ दिस दिस इंटेस्टाइन और स्टमक कंप्रेसेस दिस लंग्स एंड बिकॉज ऑफ दिस न्यू बॉर्न बेबी में डेवलप रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। इट मीन्स दिस कंडीशन में लीड डेथ ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी, दैट इज वाई इट इज द इमरजेंसी कंडीशन। सडनली ऑपरेशन के थ्रू, सर्जरी के थ्रू ये जो एबनॉर्मल ओपनिंग है इसको क्या करना रहता है, क्लोज करना रहता है टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। सो पोस्टेरोलेटरल हर्निया इज वेरी सीवियर वेरी कॉमन एंड वेरी कॉमनली प्रेजेंट ऑन विच साइड, वेरी कॉमनली प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड। अब नेक्स्ट है रेट्रो स्टर्नल हर्निया। अब ये रेट्रो स्टर्नल, जैसे पोस्टेरोलेटरल हर्निया कहां पर होता था, लेफ्ट साइड पर मोस्ट कॉमनली। अब ये रेट्रो के अंदर ये जो आर है इट विल रिमाइंड यू इट इज प्रेजेंट मोस्ट कॉमनली ऑन द राइट साइड एंड दिस रेट्रो स्टर्नल हर्निया इज ऑल्सो कॉल्ड कोस्टो स्टर्नल हर्निया एंड इट इज प्रेजेंट इन द लेरिज स्पेस एंड मोस्ट कॉमनली ऑन द राइट साइड एंड इट कॉजेज नो सिम्टम्स। रेट्रो स्टर्नल मतलब बहुत छोटी सी ओपनिंग होती है बिकॉज ऑफ दिस इट कॉजेज नो सिम्टम्स। बहुत छोटी सी ओपनिंग होती है और एकदम हाइएस्ट लेवल पे होती है। कहाँ पर होती है, एकदम हाइएस्ट लेवल पे जहाँ पर ज़ाइफॉइड प्रोसेस ऑफ द स्टर्नम होता है वहीं पर ये ओपनिंग होती है, ठीक है। बट ये जो पोस्टेरोलेटरल हर्निया की जो ओपनिंग होती है इट इज प्रेजेंट एट द साइट ऑफ द डायफ्राम वेयर डायफ्राम अटैचेज टू द रिब्स एट द लेवल ऑफ R10 और R11 रिब्स। मतलब ये बहुत ज़्यादा नीचे प्रेजेंट होता है और ये रेट्रो स्टर्नल हर्निया कहाँ, बहुत ज़्यादा ऊपर प्रेजेंट होता है। बिकॉज ऑफ दिस जो एब्डोमिनल कंटेंट्स होते हैं, एब्डोमिनल कंटेंट्स आपको पता ही है नीचे ज़्यादा होते हैं, सो नीचे के जो एब्डोमिनल कंटेंट्स हैं दैट कैन ईजिली एंटर्स थ्रू दिस पोस्टेरोलेटरल हर्निया एंड मे कॉज डेथ ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी। नाउ हर्निया इन द डॉर्सल मेसेंट्री is called posterior hernia and it is also having no symptoms. But posterior hernia में क्या होता है, ये जो esophageal opening है और ये जो aortic opening है, ये दोनों के जो भी contents होते हैं ये कैसे हो जाते हैं, आपस में सब एक दूसरे में मिल जाते हैं, ठीक है। It means aorta and esophagus lie in the same gap. Then this central tendon, not tendon, this one is the central hernia. So this central hernia is in the lateral thoracic wall. Now central के अंदर ये जो L है it will remind you it is more commonly present on the left side. So retroesternal आपको remind कराएगा it is present on the right side. Central के अंदर L आपको remind कराएगा it is present most commonly on the left side. Posterolateral के अंदर L आपको remind कराएगा it is present मोस्ट कॉमनली ऑन द लेफ्ट साइड। और पोस्टीरियर पार्ट का, पोस्टीरियर हर्निया के अंदर को तो कोई सवाल ही नहीं है कहाँ पर प्रेजेंट होता है बिकॉज इट इज अनपेयर्ड। सो हर्निया दो टाइप्स के होते हैं, एक तो कॉन्जेनाइटल और एक एक्वायर्ड। तो कॉन्जेनाइटल हमने 4 टाइप्स के देख लिए। नाउ कमिंग टू एक्वायर्ड हर्निया। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया, ये जो पोस्टेरोलेटरल हर्निया है ये आपको पता है किस साइड पे मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होता है, लेफ्ट साइड पे। ये है लेफ्ट साइड की मेम्ब्रेन और ये मेम्ब्रेन क्या हो जाती है, वीक हो जाती है और ये बनाती है एक एबनॉर्मल फोरामेन
abnormal opening, and that opening is called foramen of Bocha Delec. Bocha Delec. Foramen of Bocha Delec. So through foramen of Bocha Delec, posterolateral hernia enters. So foramen of Bocha Delec is related to posterolateral hernia. अब कैसे याद करोगे कि posterolateral hernia is related to foramen of Bocha Delec? It is very simple. अब ये तो आपको पता है कि posterolateral hernia causes death of the newborn baby. So बेचारे बच्चे की जान कौन लेता है? Posterolateral hernia. So from बेचारा it is Bocha Delec. Bocha Delec. So बेचारे बच्चे की जान किसने ली थी? Posterolateral hernia ने ली थी. Now acquired hernia are of two types. One is traumatic and second one is hiatal hernia. अब traumatic is most commonly due to bullet injuries of the diaphragm. And hiatal hernia is most commonly because of sliding type of hiatal hernia. And which is most commonly through the esophageal hiatus. अब क्या होता है कि जहाँ से esophagus की opening होती है diaphragm के अंदर, वहाँ पर diaphragm के कुछ fibers, अब ये diaphragm के muscular fibers नहीं है, जो muscle को cover करते हैं वो fibers tightly present around the entry point of the esophagus in the diaphragm. So this green color membrane is called phrenico-esophageal membrane, which is reflected diaphragmatic fascia at the lower end of the esophagus. And this one is the cardiac part of the stomach, which is actually the junction of the esophagus and the stomach. Now this phrenico-esophageal membrane undergo weakening. अब ये जब membrane weak हो जाएगी, then during peristalsis in the stomach, stomach क्या करेगा? Move करेगा. And because of this movement of the stomach during peristalsis, this cardiac part also moves up and down, as this membrane, phrenico-esophageal membrane, is weak. जब ये strong थी, जब अपना ये full function करती थी, अपना normal function करती थी, then this phrenico-esophageal membrane do not allow the up and down movement of the cardiac part of the stomach. And because of this sliding of the cardiac part of the stomach, the lower end of the esophagus will now no more be properly closed. That is why food content from the stomach will get back in the esophagus. And this phenomenon is called as regurgitation. Regurgitation. It is a reflex of food content from the stomach into the esophagus. So due to weakening of the phrenico-esophageal membrane, the cardiac part of the stomach can move up and down through this weak phrenico-esophageal membrane during peristalsis in the stomach. So this may lead to improper functioning of the lower esophageal sphincter. Lower esophageal sphincter, which is responsible for the only one side entry of the food from the esophagus into the stomach and does not allow the entry of the food from the stomach into the esophagus back. So this lower esophageal sphincter is not working properly, and this ultimately leads to regurgitation, that is reflux of gastric content into the esophagus. So only this much you need to know about the diaphragm, that is definition of the diaphragm, origin and insertion of the diaphragm, nerve supply to the diaphragm, openings in the diaphragm, actions of the diaphragm, relationship of the diaphragm to the other organs, embryonic development of the diaphragm, and the clinical anatomy. And now you are able to solve multiple choice questions which are asked in various PG entrance exam related to diaphragm. So question number 1 is, motor supply of the diaphragm is, batao fatak se, motor supply kisse?
मोटर सप्लाई इज फ्रॉम द फ्रेनिक नर्व. नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द ईसोफेजियल हायटस. अब ईसोफेजियल हायटस जैसे ही नाम सुनते हो तो आपको क्या करना है, ईसोफेजियल एल मीन्स यहाँ से निकालना है आपको सबसे पहले लव, और ईसो के अंदर ये जो ओ है इससे बनाना है आपको नंबर 10, और आपको लिख देना है मस्कुलर पार्ट कहाँ से ओरिजिनेट होता है, ये हायटस, ये ओपनिंग कहाँ पर होती है, मस्कुलर पार्ट ऑफ द राइट क्रस्ट. ओके, अब देखते हैं ऑप्शंस. ईसोफेजियल हायटस लाइज बिटवीन टू क्रूरा ऑफ द डायफ्राम, ऐसा कुछ तो हमने पढ़ा नहीं था. रॉन्ग स्टेटमेंट, सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग. अब आते हैं बी ऑप्शन, एट द लेवल ऑफ डी 12 वर्टिब्रा, ये भी गलत है बिकॉज इट इज प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ डी 10 वर्टिब्रा, एट द लेवल ऑफ टी 10 थोरेसिक वर्टिब्रा, ये भी गलत. सी ऑप्शन, वेगस नर्व पासेस थ्रू इट. अब लव के अंदर ये जो वी है इट इज रिलेटेड टू वेगस नर्व, सो इट इज करेक्ट. डी ऑप्शन, लाय इन राइट क्रूरा ऑफ द डायफ्राम. अब यहाँ पे एक चीज इसने स्पेसिफाई नहीं की है, वो क्या, अब मस्कुलर पार्ट या फिर टेंडिनस पार्ट ऑफ द राइट क्रस्ट, दैट इज वाई इसको भी हम क्या मान के चलेंगे, रॉन्ग. ई ऑप्शन, थोरेसिक डक्ट पासेस थ्रू इट. लव के अंदर कहीं टी है क्या, नहीं है, सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली सी ऑप्शन, दैट इज वेगस नर्व passes through it. Next question, esophagus enters through central tendon, no, along aortic opening, no, muscular part of the diaphragm, yes it is correct. और D option है right crest. Right crest मतलब ये बोलना चाह रहा है tendinous part of the right crest, so it is also incorrect. So esophagus enters through the muscular part of the diaphragm. नेक्स्ट क्वेश्चन, aortic hiatus contains, अब aortic के अंदर क्या करना है, contains तो मतलब आटा लिखना है यहाँ पे, ऐसे aorta obvious, T से thoracic duct और A से azygous vein, तो A option क्या बोलता है, left gastric vein, thoracic duct, no, thoracic duct and hemi azygous vein, no, azygous vein and thoracic duct, yes it is correct. अब एम्स का क्वेश्चन है तो करेक्ट आंसर मिलने के बाद डी ऑप्शन पढ़ो तो भी ठीक है, नहीं पढ़ो तो भी ठीक है, फिर भी अपन पढ़ लेते हैं. तो डी ऑप्शन क्या है, लेफ्ट वेगस एंड थोरेसिक डक्ट, तो आटा के अंदर वेगस वी वी वगैरह कुछ है ही नहीं, सो आंसर इज सी ऑप्शन, दैट इज एजाइगस वेन एंड थोरेसिक डक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस इनटू द डायफ्राम इज एट द लेवल ऑफ, ईसोफेगस के अंदर ये जीरो ओ ढूंढना है, ओ से क्या बनाना है आपको 10, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्ट्रक्चर्स पासिंग पोस्टीरियर टू द डायफ्राम आर ऑल एक्सेप्ट. अब आपको पता ही है जो aortic ओपनिंग होती है, aortic ओपनिंग वो एकदम पोस्टीरियरली प्रेजेंट होती है, और aortic ओपनिंग के कंटेंट्स क्या क्या हैं बताइए मुझे, आटा, सो दीज आर पोस्टीरियर. और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से स्ट्रक्चर्स पोस्टीरियर नहीं है, सो आटा के अलावा जो भी होंगे वो सारे पोस्टीरियर के अगेंस्ट होंगे, ठीक है, मतलब वो पोस्टीरियर नहीं होंगे. अब देखो ऑप्शंस, ए ऑप्शन आटा, यस इट इज प्रेजेंट, अजाइगस वेन, यस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, थोरेसिक डक्ट, यस इट इज ऑल्सो प्रेजेंट, बट ग्रेटर एंड लेसर स्प्लांकनिंग नर्व्स आर प्रेजेंट इन द राइट एंड लेफ्ट क्रस्ट, दैट इज वाई अवर आंसर इज डी ऑप्शन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चर्स पासिंग थ्रू द aortic hiatus. अब aortic hiatus क्या करना है, आटा लिखना है, सो aorta यस, azygous vein यस, hemi azygous vein नो, thoracic duct यस, sympathetic trunk नो, सो करेक्ट ऑप्शंस आर ए बी एंड डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फीरियर वेने केवा पियर्सेस द डायफ्राम एट विच वर्टिब्रल लेवल. अब वेने केवल के अंदर आपको सिंपल सा क्या करना है, वी दो वी लिखना है और इनके पॉइंट्स मिला देने हैं, मतलब और ये बना देगा T8, मतलब एट द लेवल ऑफ T8, मतलब आंसर बी ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर नॉट पासिंग थ्रू द ईसोफेजियल हायटस. अब ईसोफेजियल के अंदर क्या करना है आपको, लव, ईसोफेजियल के अंदर से ये जो एल है इट विल रिमाइंड यू जस्ट राइट लव हियर,
एल से क्या है, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी की ब्रांचेस। वी से वेगस नर्व, राइट एंड लेफ्ट। ई से ईसोफेगस। अब पूछ रहा है नोट पासिंग, मतलब इनके अलावा हमारा आंसर होने वाला है, ठीक है। तो राइट वेगस यस, लेफ्ट वेगस यस, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी यस, बट इट इज नॉट प्रेजेंट, सो अवर आंसर इज लेफ्ट फ्रेनिक नर्व, दैट इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रक्चर पासिंग थ्रू द आउटा इन द डायफ्रामेटिक ओपनिंग। स्ट्रक्चर्स पासिंग अलोंग द आउटा, नॉट थ्रू द आउटिक ओपनिंग, अलोंग द आउटा। सो क्या करना है आपको, आटा लिखना है बस। सो एक तो आउटा, दूसरा थोरेसिक डक्ट, और तीसरा क्या है, अजाइगस वेन। ये दोनों स्ट्रक्चर्स आर पास्ड अलोंग विद द आउटा। सो ऑप्शन ए थोरेसिक डक्ट यस इट पासेस, सिंपेथेटिक डक्ट नो, ग्रेटर एंड लेसर स्प्लैंकनिक नर्व नो, सो अवर आंसर इज ए ऑप्शन। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द डायफ्राम। लेफ्ट साइड पुश डाउन बाय द हार्ट यस इट इज करेक्ट। लेफ्ट साइड लोअर देन द राइट साइड यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। राइट साइड लोअर देन द लेफ्ट साइड इट इज नॉट करेक्ट। राइट साइड पुश्ड अप बाय द लीवर यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। हर्निया मोस्ट कॉमन ऑन लेफ्ट साइड बिकॉज ऑफ वीक ओरिजिन। अब सबसे पहले अगर हर्निया की बात हो रही है तो मोस्ट कॉमनली हर्निया कौन सा होता है, पोस्टेरो लेटरल हर्निया सबसे मोस्ट कॉमन होता है, तो इस हर्निया की बात हो रही है, ठीक है। तो इट इज प्रेजेंट मोस्ट कॉमनली ऑन द लेफ्ट साइड, सो इट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ओनली सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट, वाइल ए बी डी एंड ई ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट इज ट्रू अबाउट फोरामेन ऑफ मोरगेग्नी। इट इज फिमोरल केनाल नो, इट इज डायफ्रामेटिक ओपनिंग यस इट इज करेक्ट, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। थ्रू दिस फोरामेन सुपीरियर एपिगेस्ट्रिक वेसल्स पासेस, इट इज ऑल्सो करेक्ट। इट इज लोकेटेड पोस्टीरियरली, नो इट इज प्रेजेंट एंटीरियरली, सो इट इज इनकरेक्ट। ईसोफेगस पासेस थ्रू इट, नो फॉर ईसोफेगस देयर इज अनदर ओपनिंग दैट इज कॉल्ड ईसोफेजियल हायटस, सो इट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ओनली बी एंड सी ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट इज डायफ्रामेटिक हर्निया कैन अकर थ्रू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ईसोफेजियल ओपनिंग यस, कोस्टो वर्टिब्रल ओपनिंग यस, कोस्टल एंड एक्सटर्नल अटैचमेंट ऑफ द डायफ्राम यस, थ्रू द इन्फीरियर वेने केवा ओपनिंग। अब हर्निया के अंदर हमने ये मान लो ये क्या था, ज़ाइफाइड प्रोसेस, ये क्या थी वर्टिब्रा, और ये क्या थी रिब्स थी, ठीक है। तो हमने एंटीरियर की बात की थी, लेटरल की भी बात की थी, पोस्टीरियर की भी बात की थी, पोस्टेरो लेटरल की भी बात की थी, बट जो सेंट्रल टेंडन है उसमें हमने किसी भी टाइप का हर्निया नहीं देखा था, ठीक है। और सेंट्रल टेंडन के अंदर क्या होता है, सेंट्रल टेंडन के अंदर कौन सी ओपनिंग होती है, ये होती है इन्फीरियर वेने केवा की ओपनिंग। इट मीन्स डायफ्रामेटिक हर्निया कैन अकर थ्रू ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट इन्फीरियर वेने केवा। थ्रू इन्फीरियर वेने केवा ओपनिंग डायफ्रामेटिक हर्निया डज नॉट अकर। नेक्स्ट इज बोचा डेलेक हर्निया अकर्स थ्रू। अब कौन सा हर्निया बेचारे बच्चों की जान ले लेता था, आपको पता ही है कौन सा, पोस्टेरो लेटरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम या पोस्टेरो लेटरल हर्निया। सो बोचा डेलेक हर्निया अकर्स थ्रू द पोस्टेरो लेटरल पार्ट ऑफ द डायफ्राम। नेक्स्ट इज मोस्ट कॉमन साइट ऑफ द मोरगेग्नी हर्निया इज। मोरगेग्नी हर्निया बोलो या फिर ये हर्निया कहाँ पर होता है, रिट्रो स्टर्नल हर्निया, या फिर इट इज ऑल्सो कॉल्ड कोस्टो स्टर्नल हर्निया। सो रिट्रो स्टर्नल या फिर मोरगेग्नी के अंदर ये जो आर है इट इज रिलेटेड टू राइट साइड, इट इज रिलेटेड टू राइट साइड। और फोरामेन ऑफ मोरगेग्नी कहाँ पर होता है, एंटीरियर साइड पे। फोरामेन ऑफ मोरगेग्नी कहाँ पर होता है, एंटीरियर साइड पे। सो मोस्ट कॉमन साइट फॉर द मोरगेग्नी हर्निया इज राइट एंटीरियर। सो दैट्स ऑल अबाउट द डायफ्राम। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर थियरी एग्जाम एज वेल एज फॉर योर पीजी एंट्रेंस एग्जाम।
And in the last but not the least, thanks for watching this video and I wish you all the best for your bright future.